लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया था शायद। यस सर। होमवर्क भी दिया था उसके? हाँ सर। अच्छा, वो एक असाइनमेंट दिया होगा, असाइनमेंट नंबर 5 शायद। यस सर। यस सर। उस असाइनमेंट नंबर 5 में डाउट है किसी को? हाँ सर। यस। उसका डाउट पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक जो है स्प्रिंग वाला वो पढ़ेंगे। तो जो भी डाउट्स है फटाफट पूछ लीजिए सर। 6, 12, 13। सर 14। और फिर वो जो 10-11 वालों का सोशल रीजनिंग की ऑप्शन क्या है वो नहीं पता। 5, 6 सुना मैं सर। 12, 11, 7 सेवन बोली। 7, 15, 12, 14 13 भी। हाँ सर। ठीक हो गया सर। 22 कौन सा? 22 सर। 8, 6, 7, 8 बाप रे लगातार 12, 13, 14 गजब। सर 10 और 11 असोसिएशन रीजनिंग है बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर उसका क्या करना है? आवाज क्लियर नहीं, कुछ तो बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं। सर 10th और 11th क्वेश्चन असोसिएशन रीजनिंग वाले हैं बट वहाँ लाइक दिया नहीं है कि क्या ऑप्शंस होगी, तो एक वो भी बता सकते हो? लाइक ये डाउट नहीं है बट। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? सर 10 और 11। लोग इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, इतना कुछ टाइम पास करते हो, एसर्शन रीजन का चलो मैं ही दे दूंगा तुम लोगों को। तो सर नहीं, उसमें ऑप्शंस ही नहीं है। फिर चुप कर। सर नहीं है। अरे चुप कर। सर नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी स्टैंडर्ड बुक में नेट पर कहीं भी देखो जो एसर्शन रीजन होते हैं जेई के, वही 4 ऑप्शन होते हैं। हाँ, उसके ए बी सी डी प्री डिफाइंड है। ओके सर। 21 तो वो तुम लोग देख नहीं सकते हो, मुझे ही लिख के देना चाहिए, मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन ये बहुत गलत। चलो बात, चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो इधर। किसने पूछा? सर मैंने कुछ किया था। हाँ सर, ट्राई किया। तुम लोग ना कुछ भी नहीं करते हो, सच बता रहा हूँ। तुम लोग या तो पढ़ने का फंडामेंटल तरीका गायब है या क्या, मुझे समझ नहीं आता। कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते हो तुम लोग, स्कूल वाले थॉट प्रोसेस से बाहर निकले ही नहीं हो। कोई क्वेश्चन देखा?
कुछ कुछ किया नहीं हुआ टीचर से पूछ लेंगे तो सीख जाएंगे, ये अगर तुम्हें लगता है टीचर से पूछ के सीख जाएंगे तो ये गलत है। टीचर से पूछ के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा जाएंगे, सीख जाएंगे नहीं होता है। सीखेंगे तब जब खुद से इनफाइनाइट अटेम्प्ट मारेंगे, गिव अप हो जाएगा जब, तब उसको बोलते हैं सीखना। एनीवे देखो मैं ओरली बता देता हूँ। एक तो इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो टेन इनवर्स ए बाई जी आंसर होगा। यस है ना, ये लास्ट क्लास में देखा था। हाँ तो पहला ऑप्शन है, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है क्योंकि टेन इनवर्स एनीथिंग में ये नंबर होना चाहिए, तो ए एक्सेलरेशन है तो नीचे भी कुछ है होना, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये। हाँ सर, ये अभी बताया अल्फा जीरो करो तो टेन इनवर्स ए बाई जी होना चाहिए, अभी पिछली बार चेक किया था, तो ये भी गलत है। यस सर, ये अल्फा से इंडिपेंडेंट है तो ये गलत है, तो ये सही है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। बट सॉल्व कर देता हूं, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने जाओगे तो पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। नहीं यार मैं हैप्पी नहीं हूं तुम लोगों के पढ़ने के तरीके से, बिल्कुल भी नहीं। इसको तो पढ़ाई नहीं कहते हैं, ये पक्का है। तो इतना आराम से लाइफ नहीं चलता है बेटा, तुम लोग को लगता होगा एकदम मजा आया, सब कुछ आराम से धीरे धीरे उठाए सब सॉल्व हो जाए, ऐसा कभी थोड़ा ना होगा, ऐसा नहीं होता। और ए नॉट एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइन जा रहा है तो डाउन द इंक्लाइन इस पर एम ए नॉट का स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, इसी लाइन में नहीं होगा, अल्फा बीटा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ऐसे कर दो। ये एम ए नॉट हो गया। अब इसका इक्विलिब्रियम मुझे देखना है। ये एंगल कितना होगा? ज्योमेट्री ज्योमेट्री फिजिक्स नहीं है। ये एंगल, ये एंगल, ये दो एंगल बताओ। थीटा तो यहां से एंगल है ना, वर्टिकल से एंगल तो रहना है, नहीं समझा? ये जो एंगल थीटा है ये वर्टिकल से एंगल तोड़ ना है, ये यहां से, ये तो इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल से एंगल है, वर्टिकल से कितना होगा बताओ। ज्योमेट्री है, मैं नहीं बताने वाला। इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाता है तो ये अल्फा होगा। हाँ सर, पक्का? पक्का सर। ये एंगल बताओ कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा होगा वर्टिकल से। अरे बेटा ये लाइन वर्टिकल की नहीं है, कितनी बार समझाऊं? ये लाइन वर्टिकल की दिख रही है आपको? नहीं सर, नहीं सर, सॉरी वो गलत हो गया। एक कितना एंगल होगा?
छोड़ वर्टिकल से एंगल निकालने में दिक्कत हो रहा है, सिंपल ज्योमेट्री नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं सिखाऊंगा, जो आ रहा है वही करो। बहुत खराब है सब बेसिक में। इधर देख सब, ये तो इंक्लाइन प्लेन वाला लाइन है ना। हाँ सर। चलो एक्स और वाई तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, तो मैं एक्स और वाई अब इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल ले लेता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन और ये इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल, ये दोनों डायरेक्शन ले लेते हैं। थोड़ा सा भी तुम लोग फाइटिंग करना चाहते हो, ये एटीट्यूड जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत गलत है। ये एम ए नॉट वाला वेक्टर हो गया, ये वेक्टर मेरा हो गया एम ए नॉट वाला। इस वाले लाइन से थीटा एंगल बनाता है ऐसा, ऐसा ये तो इस लाइन से थीटा दिया है ना, है ना, इस यहां से थीटा दिया है ना, बाकी गलत दिया है, वर्टिकल से करना चाहिए सर। थीटा माइनस अल्फा, बहुत बढ़िया। वैसे तो ओरली बता सकते हो ये आंसर, जैसे इसमें मैं बोला ना अल्फा जीरो पुट करो, तो अल्फा जीरो पुट करो तो साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा वन टेन इनवर्स ए बाई जी आता है, तो डी आंसर, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज ऐसे देखोगे तो अब जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये रहा मेरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब ये टेंशन इन द स्ट्रिंग इससे थीटा बनाता है, यही मतलब है ना बेटा, इससे, और जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, yes। तो mg इससे अल्फा बनाएगा, बनाएगा सर नॉर्मल से। अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया टी साइन थीटा। मैं तो कोई भी डायरेक्शन को एक्स वाई ले सकता हूँ ना, तो पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को लिया, तो मान लो दिक्कत लग रही है तो ऐसा तो कर सकते हैं, है ना। एम जी को रिजॉल्व करें, एम जी करते कॉस अल्फा, और ये हो गया एम जी साइन अल्फा, हो गया। तो देखो इक्विलिब्रियम के लिए हम लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज एम ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फा। Yes, sir.
and t cos theta is mg cos alpha. Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दें अगर तो tan theta मिल जाएगा. हाँ सर. So tan और m cancel हो जाएगा तो tan theta दिख रहा है a naught plus g sin alpha upon g cos alpha. Yes sir. So theta is equal to tan inverse a naught plus g sin alpha upon g cos alpha. आया समझ में? Yes sir. Thank you sir. बात की है कि घर में इतनी फाइट क्यों नहीं मारी? इतनी फाइट मारते तो क्यों नहीं होता? होता है. ये एटीट्यूड मुझे आपके अंदर डेवलप कराना है कि क्वेश्चन के साथ लड़ने का. ये कोई तरीका नहीं है कि सिंधी क्वेश्चन है पूछा नहीं हुआ तो सर तो बता ही देंगे. सर बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कुछ सीखोगे नहीं. सर का रिवीजन होगा. चलो नेक्स्ट सेवेंथ. आगे बढ़े. यस सर. क्वेश्चन नंबर सेवन. अ लिफ्ट एल इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए इक्वल टू जी. अ स्मॉल ब्लॉक ए ऑफ मास एम केप्ट ऑन द वेज बी सेम मास एम हाइट ऑफ वैसा वैसा. तो इससे ना इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, पता है? कुछ भी नहीं. पता नहीं तुम लोग क्यों पूछे हो. सीरियसली mg नीचे ऐड कर रहा है. यस सर. सूडो फोर्स वाला भी mg नीचे ही ऐड कर रहा है. यस सर. सर ये एक्सेलरेशन आ गया उसका, फिर उसके बाद मेरे को नहीं समझ आ रहा है. सरफेस नॉर्मल इधर होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा. तो इधर 2mg cos थीटा होगा, तो इधर 2mg sin थीटा होगा. मतलब एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन 2g sin थीटा होगा. तो कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ पूछा है इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है ना? हाँ, तो sh by sin theta होगा. तो ये जो डिस्टेंस है ये h upon sin theta होगा. हाँ. यस सर. तो हो गया, तो ये हो गया h upon sin theta. बिल्कुल भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं. तो h upon sin theta is equal to half a t square. That is 2g sin theta into t square. यही t पूछा है? हाँ सर, पीछे कुछ और अंडर रूट h upon g देख लेते हैं. h upon g sin square theta. ये कुछ आंसर होना चाहिए. तो यही आया मेरे को, बट पीछे कुछ और दिया. अच्छा मुझे पढ़ने दो. नहीं दिख गया मुझे. वेज का भी मास है ना? वेज का भी मास है सर, तो उससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा ना? होगा ना, वेज पीछे जाएगा भाई साहब. तुम लोगों ने देखा जल्दबाजी में मैंने कह दिया. इफेक्ट देखो उसका. ए जब स्लाइड करेगा तो बी भी पीछे जाएगा ना, समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन एक क्लास में कराया था ना.
हाँ सर देख देख इधर देख इस क्वेश्चन को मैं सीधा कर देता हूँ। देखो ये क्लास में ऐसा कराया था मैं वेज के रेस्पेक्ट में देखूं सब कुछ वेज के रेस्पेक्ट में तो ये एक मास है। ध्यान से देखो इस मास पर वेज के रेस्पेक्ट में 2 mg नीचे लगेगा समझ आया ना। देखो 2 mg इधर लगा सरफेस नॉर्मल इधर लगा ये हुआ ए का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। यस तो ए का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में वैसे एक के पास दोनों एक्सीलरेशन होगा एक वर्टिकली अपवर्ड भी होगा और इधर बट बी के रेस्पेक्ट में मतलब कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है तो वो इधर आता हुआ ही दिखाई देगा है ना तो कहीं भी छोड़ दो उसको। अब बी पर देखो ये हुआ ए का फ्री बॉडी डायग्राम बी पर अगर देखोगे तो बी पीछे जाएगा जाएगा तो बी का एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ऑफ बी इधर है मान लो बी पर फोर्स क्या लग रहा है तो ये जो एन इस पर लगाया है यही वाला एन इस पर लग रहा होगा है ऐसा और इसका खुद का वेट और स्यूडो फोर्स 2 mg इधर एक्ट कर रहा होगा होगा यस सर। यहां तक कोई दिक्कत नो सर नहीं तो अब देखो सॉल्व हो गया ये एंगल कितना होगा थीटा होगा 90 माइनस थीटा ये हो गया n का कंपोनेंट n cos थीटा इधर और ये कंपोनेंट n sin थीटा इधर कोई दिक्कत नहीं। ये लिफ्ट जो इस पर फोर्स लगाएगा ग्राउंड पर वो ऊपर होगा दैट इज n ऑन b क्लियर है। हाँ सर देखो मैं B के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ किसके लिए B के लिए तो B के लिए लिखूंगा n sin theta is equal to mass of B into acceleration of B हाँ या ना yes. कोई दिक्कत नहीं बोलो नो सर। ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में वेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे ध्यान से सुनना तो एन बी ये 2 mg की जगह केवल mg लिखेंगे तो एन बी माइनस एन कॉस थीटा माइनस mg इज ma अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखे तो कुछ समझ आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है बोलो। चलो ये तो समझ आया ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलो एक ही बार देखते हैं ये सब कहानी है विथ रेस्पेक्ट टू वेज ग्राउंड को छोड़ देते हैं।
बी के इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ए का इक्वेशन ऑफ मोशन देखो आप, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो 2mg का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया 2mg sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया 2mg cos थीटा। ठीक है? यस सर। तो ए का मोशन अगर हम देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2mg cos थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, 2mg sin थीटा ना? हाँ, 2mg sin थीटा। हाँ यस, क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब ऐसे लिखेंगे, देखो तो अगर मैं वेज के रेस्पेक्ट में देखूं तो वेज के रेस्पेक्ट में एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, एन इज इक्वल टू 2mg cos थीटा। हाँ लिखूंगा, क्योंकि वेज के रेस्पेक्ट में ये इधर तो जा नहीं रहा है। yes. पक्का? अच्छा, तो ये एन की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल जाएगा। yes. तो ये एन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से मुझे मिल गया 2mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसके लिए मैं खुश हो गया। तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल गया, मिल गया। yes. यहां से मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल गया 2g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो B इस एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा, समझ रहे हैं? Yes, sir. B इस एक्सेलरेशन से आपका पीछे जाएगा और A डाउन द इंक्लाइन जाएगा, है ना? तो B का एक्सेलरेशन, A का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू B निकालेंगे, तो जो मुझे वैसे पहले दिखता था कि 2g sin थीटा होगा, वो 2g sin थीटा नहीं, कुछ और होगा। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। पक्का? हाँ सर। तो देखिए, शायद होना चाहिए, ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी में कंस्टेंट रिलेशन सच दैट कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, वो निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो हो गया। यस यस। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ऑफ ए मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूं, ए का एक्सेलरेशन अपने मन से मान लेते हैं इधर की ओर x है और इधर की ओर y है, ax ay है ऐसा। तो जैसा हम लोग सीखे थे कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन अगर सेम होगा तभी दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसा सिखाया था। yes, sir. ये दोनों को कांटेक्ट में रहना है,
मतलब इसका एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डायरेक्शन में दोनों का कॉमन होना चाहिए, होना चाहिए। यस तो देख लीजिए, ये एंगल हो गया थीटा, है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा, तो ए एक्स का इधर वाला कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा ए एक्स कॉस थीटा, और इधर वाला मिल जाएगा ए एक्स साइन थीटा। ए वाई का इधर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा ए वाई कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा ए वाई साइन थीटा, होगा। तो अगर ax ay मिल गया मुझे, तो इसका इधर वाला एक्सेलरेशन मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। yes. Yes, अब दूसरा रिलेशन, इसका एक्सेलरेशन वेज का ab है इधर की ओर, तो ab का कंपोनेंट इस डायग्राम में देख लेते हैं, जो एक्सेलरेशन ऑफ b है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी है इधर की ओर, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी साइन थीटा, मतलब ए वाई कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा एक्सेलरेशन ऑफ बी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। yes. समझ रहे हैं पक्का? Yes. तो लिख देते हैं ऐसे, तो यहां से मुझे मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ वाई साइन ए वाई साइन कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं? है ना। तो ये हो गया 2g cos theta into sin square theta is ay cos theta minus ax sin theta। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। बस एक और इक्वेशन अगर मिल जाए तो मेरा ax ay दोनों मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। yes. बोलिए। yes. ठीक है, तो ए एक्स और ए वाई देखिए कहां से, मैंने ए एक्स और ए वाई मैंने यहां से लिया था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल में ax ay में रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं समझे? ax और ay की वैल्यू इस तरह से होगी कि उसका रिजल्टेंट ऑलवेज towards down the incline होगा। yes sir। yes sir। yes sir। पक्का? हाँ sir पक्का। तो ax और ay का हमेशा down the incline होगा, मतलब tan theta is ay upon ax। yes। ठीक है, tan theta is ay upon ax, है ना। yes, तो यहां से मुझे मिल गया कि tan theta is ay upon ax। तो इन दोनों इक्वेशन से
मुझे ए वाई ए एक्स मिल गया और ए वाई ए एक्स मिल गया तो ये एक्सेलरेशन मिल गया और ये एक्सेलरेशन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, समझे कुछ? यस सर, यस सर। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, ये जो लेंदी कहानी है ना मैं इसको छोटा कर देता हूँ, रुक जाओ लिखना मत इतना मेहनत करने से ना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन दिया है ना तो इतना मेहनत करके सॉल्व करने का बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ, कुछ रुक जाइए, मतलब मिनिमम काम मिनिमम एफर्ट हो वो जरूरी है। तो ये ओवरऑल आपको एक कहानी समझ आई कि ब्लॉक बी भी मूव करेगा ये तो पक्का है, और ब्लॉक बी को मूव कौन सा फोर्स करा रहा है? नॉर्मल वायर। हाँ, ये जो नॉर्मल दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं ये ब्लॉक बी को मूव करा रहा है ना। अब हम इसको कुछ छोटा छोटा देखते हैं, तो थोड़ा जितना छोटा कर सके क्वेश्चन को उतना अच्छा है, बट ब्लॉक भी मूव कर रहा है ये बात समझ आ गई ना? यस सर। की वजह से वो आंसर में डिफरेंस है। अब और ये दूसरी बात ये समझ में आई कि हमें ये दोनों कांटेक्ट में रहे इसलिए कंस्टेंट इक्वेशन भी यूज करना है ना। तो ये इतना मेहनत करने के बाद अब छोटे मेथड से जरा देखो, तो ये दो बात क्लियर है। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी को, एक्सेलरेशन ऑफ बी को मैं लिख देता हूं माइनस ए आई कैप। कोई दिक्कत? तो बी का एक्सेलरेशन मैंने इधर की ओर ए मान लिया, इसका बी का एक्सेलरेशन माइनस ए बी होना चाहिए ना आई कैप, नहीं ए लिख दिया है मैंने क्योंकि बार बार उतना लंबा क्यों करूंगा इसके लिए। जो ए है इसका एक्सेलरेशन मैं अपने मन से मान लेता हूं कुछ एक्स में है और कुछ वाई में है, ठीक है? तो ए का एक्सेलरेशन इधर वाला ए एक्स और इधर वाला ए वाई मैंने मान लिया, क्लियर? तो एक्सेलरेशन ऑफ ए को मैं लिख देता हूं माइनस, नहीं इसका माइनस नहीं, इसका तो प्लस होगा, इसका माइनस होगा, माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो सोच के, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ूं? Yes, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी देखेंगे तो इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यस सर। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि एक ही में आपका सारा काम चल जाए, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस ए, माइनस ए एक्स ए माइनस बी करेंगे प्लस ए, ये हो गया आई कैप माइनस ए वाई जे कैप, ऐसा हो गया? यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी हमेशा डाउन द इंक्लाइन ही होना चाहिए। Yes. मैं एक ही में दोनों का काम चल जाए इसके लिए, यानी कि ये जो मेरा वेक्टर है विच इज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसका डायरेक्शन तो फिक्स है ना, डाउन द इंक्लाइन ही होना चाहिए, समझ रहे हैं? यस। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का एक्स कॉम्पोनेंट और एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का वाई कॉम्पोनेंट, ये दोनों में टैन थीटा होना चाहिए,
for A to move down on incline, कम मेहनत में काम चलेगा इसके लिए सर. Down on inclined plane, acceleration of A relative to B must be in the direction such that, देखना ध्यान से, tan theta is y component upon x component होगा. Yes. The magnitude wise ay upon ax plus a. कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर. चलो एक एक स्टेटमेंट ये पहले कॉपी कर लो तुम लोग. ये समझ आया? अभी लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं यूज किए, केवल एक्सेलरेशन का रिलेशन यूज कर रहे हैं, जिससे कि ये पता चले कि दोनों के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है. मेरे पास तीन अननोन है, ए एक्स और ए वाई, तो मुझे तीन इक्वेशन चाहिए. हाँ सर. एक मिल गया, दो और. सर हम ऐसे कर सकते हैं, जो ट्रायंगल बनाएंगे, अगर ए बी एक्स से उधर गया, वाई ए नीचे से वाई से आया, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई साइन. हाँ वो अभी करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ ना कंस्टेंट, वो ए एक्स से वाई में रिलेशन अभी बताता हूँ. पहले इसको लिख लिया? यस सर.
आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, हो गया सबका? यस सर। अब आ जाओ फ्री बॉडी डायग्राम पर और कंस्टेंट इक्वेशन पर। यहां तक लिख चुके हैं, अब आ जाइए कंस्टेंट इक्वेशन पर। कंस्टेंट से भी शायद आपको दोबारा सेम रिलेशन देखना पड़े। देखिए, हमने क्या किया है कि इसका एक्सेलरेशन बोला है ए इधर है ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए वाई इधर है और ए एक्स इधर है, यही बताया है। तो रिजल्टेंट डाउन द इंक्लाइन में ये होगा। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ये कंपोनेंट में जीरो होना चाहिए, आई मीन दोनों का सेम होना चाहिए, ये कहने का मतलब ऐसा होगा। तो ये एंगल थीटा, ये हो गया ए एक्स कॉस थीटा, देखना इससे भी वही रिलेशन आएगा। ये हो जाएगा ए, सॉरी, ये हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, ये हो जाएगा ए वाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए वाई, नहीं ये थीटा गलत बनाया, वो 90 होगा, ये नीचे वाला थीटा होगा, ये नीचे वाला थीटा होगा। ये आपका होगा कॉस थीटा है ना, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स का हो गया ये। अब ये जो ब्लू वाला है, पर्पल वाला है, इसका ये थीटा हो गया, तो इसका कंपोनेंट इधर की ओर हो गया ए साइन थीटा है ना। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा, ए वाई कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा दिस शुड बी इक्वल टू ए साइन थीटा, यही मतलब हुआ ना। तो ये दोनों रिलेशन सेम है, दिख रहा है ऐसा कि ये दोनों रिलेशन एक ही है, ऐसा दिख रहा है। इसको इधर ले जाओगे तो ये यही रिलेशन है। तो जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सब लोग इसको। यहां पर मैंने क्या किया, कंस्ट्रेंट मेथड लगाया जो सिखाया था। अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी मैंने यही किया है, ऊपर इस बात को ऐसे लिख दिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी डाउन द इंक्लाइन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी डाउन द इंक्लाइन है, इस बात का यही मतलब है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जीरो है, दोनों एक ही बात है। ये एक चीज सीखा तुम, ये समझ आया कि दोनों सेम इक्वेशन है? यस यस, ये बात सबको समझ आई कि दोनों सेम इक्वेशन है, या मैं आगे और लिख के बताऊं? समझा सर। तो मेरा काम यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का है कि आप क्या कीजिएगा, आप मन ही मन सोचो ना, अगर मैं ये बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी डाउन द इंक्लाइन है,
या उसी को ये बोल दूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी आपका का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, तो दोनों से जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा वो दो डिफरेंट कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आया कि दोनों में से कोई भी मेथड से बढ़ते तो ये वाला रिजल्ट सेम आता? दिखा वही है ना सेम एग्जैक्टली अब? हाँ सर, है ना। तो ये हमारा कंस्टेंट का काम खत्म, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन जो मिलना था वो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्लियर? सब कुछ हमने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है, ए एक्स ए वाई दोनों, है ना? Yes. तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की कहानी देखो, सब लोग ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने इसके थ्रू। ये ऐसे भी मैं मतलब लिफ्ट का एग्जांपल नहीं, लिफ्ट के अंदर नहीं देखे, लिफ्ट में क्या है कि वो मैं भी पहली बार क्वेश्चन देखा ना, ये डिस्टेंस नहीं दिख रहा था, कम है, तो लगा कि ये फिक्स है, ये भी पीछे जाएगा। तो ये एग्जांपल मैं कराने ही वाला था जिसमें लिफ्ट हटा के बताता कि ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं। अब 5 मिनट सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान से, सब लोग देखो, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, इससे बहुत फंडामेंटल चीजें सीखेंगे। मैं पैरेलली ही ए और बी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ए का आइए, ए पर इसका खुद का वेट एम जी नीचे, yes. और ए पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यही दो फोर्स है। बोलिए। हाँ सर। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एन कॉस थीटा है और ये एन साइन थीटा है ऐसा? बोलिए। यस यस। तो मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा लिखूंगा कि एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज एम इंटू ए वाई लिखूंगा, एंड एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स लिखूंगा। Yes. कोई डाउट? No, sir. नहीं। अब आइए बी का फ्री बॉडी डायग्राम। बी मतलब इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स क्या क्या लग रहा है? यही वाला एन इधर लग रहा है, ये दोनों एन सेम है ना बेटा? यस सर, एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या बोल रहे हैं? यस सर, यस सर, सेम एक्शन रिएक्शन पेयर है। हाँ, तो वर्टिकल से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। फिर इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा और जो ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब जो लिफ्ट है, वो लिफ्ट का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, यही होगा? बोलिए। यही तीन फोर्सेस होंगे ना, उसका खुद का वेट, लिफ्ट का नॉर्मल रिएक्शन और ब्लॉक का n, यही होगा? यस यस यस। तो n का ये वाला कंपोनेंट मुझे मिल गया n cos थीटा और n का ये वाला कंपोनेंट मुझे मिल गया n sin थीटा। देखिए, अब आप लोग सब कुछ खुद निकाल लेंगे।
तो इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं इसको देख लेता हूं, मतलब में जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। एन एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस मेरा गायब हो गया, अब दिख रहा है। सो एन कॉस थीटा इज ए स्मॉल एम इंटू ए, लिखा था हमने बी का एक्सिलरेशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, बोलिए। यस यस लिखा था ना, तो ये एक रिलेशन मिला। और साथ ही साथ इसका एक्सिलरेशन जी डाउनवर्ड है, एक्सिलरेशन ऑफ बी एक सेकेंड बेटा, एक वर्ड यहां पे मैंने गलत कर दिया, एक्सिलरेशन ऑफ बी तो ए इधर है और जी डाउनवर्ड है ना? यस सर। तो यहां पर माइनस जी जे कैप भी होगा, ठीक है, अभी नजर पड़ी, तो यहां पर माइनस जी जे कैप भी होगा, समझ गए? ए माइनस बी करेंगे तो ये जी डाउनवर्ड है, एक्सिलरेशन ऑफ बी तो जो मैंने ए इधर लिया है वो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ना, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड जा रहा है, जी से अपवर्ड जा रहा है, तो प्लस 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 जी जे कैप भी है, तो एक्सिलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज एक्सिलरेशन ऑफ ए माइनस बी, तो दिस, तो यहां पर माइनस ए वाई और माइनस जी का टर्म आएगा ऐसा, ठीक है। देखो तो एक बार, माइनस प्लस बी का एक्सिलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में ए है और लिफ्ट के साथ जी भी तो ऊपर है। यस ठीक है, तो यहां पर प्लस जी होगा, तो यहां पर एक्सिलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी में जहां ए वाई है यहां ए वाई प्लस जी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस सर, है ना। अच्छा, इसके एक्सिलरेशन का भी क्या है कि यहां पर ग्राउंड फ्रेम में इसका एक्सिलरेशन ए इधर है, साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन जी अपवर्ड भी है ना, तो ये एंगल थीटा, तो इधर जी कॉस थीटा, तो यहां पर जो ए साइन थीटा है ये ए साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा होगा, मतलब सेम रिजल्ट आएगा, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है, जो वहां पर आया था, आई मीन ये जो ए वाई प्लस जी आया है वो होगा, आई बात समझ में, वो जी छूट गया था, तो मतलब ये दोनों से सेम रिजल्ट आता है, ये मैं कह रहा था, ये तो प्लस जी हो गया। अब देखो ये एक क्वेश्चन क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा है, तो हाँ यहां पर मैंने लिख दिया एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, ये होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो। यस यस ये वन टू और थ्री, जैसे टू और थ्री को डिवाइड कर देंगे तो मुझे ए और ए एक्स मिलेगा, टू और थ्री से मुझे ए मिलेगा, ए और ए एक्स में रिलेशन, बोलिए। Yes. तो टू और थ्री से मुझे ए और ए एक्स में रिलेशन मिलेगा, और जा रही हाँ जाइए ना,
टू और थ्री से मुझे ए और ए एक्स और एन में रिलेशन मिलेगा ना, इस एन को यहाँ पुट करना है और फिर मेरे पास ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये है, ये तीनों को यूज करना है। तो देखिए ऊपर यहां तक लिख चुके हो सब, इसमें चेंज करना है सबको, ए वाई प्लस जी कर लो ए बी में, बी के एक्सेलरेशन में, बी का एक्सेलरेशन सिर्फ इधर नहीं है, बी इधर भी है और जी जी ऊपर भी है, ठीक है। ए का एक्सेलरेशन में जी का सारा इफेक्ट लेकर फाइनल ए वाई इधर है, इसलिए बी ए वाले फ्री बॉडी डायग्राम में जी नहीं आएगा, समझ रहे हो सब लोग? यस सर, जस्ट एक क्वेश्चन था, ये वाला पहले जरा सा कॉपी, हाँ बोलो क्या है बेटा? सर ए वाई माइनस जी क्यों नहीं होगा, बिकॉज जी तो लाइक अपवर्ड लग रहा है ना, तो जब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। कहाँ पर? सर जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने ये ओवरऑल ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फ्री बॉडी डायग्राम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाया है मैंने, मान लो ठीक है। तो ग्राउंड से कोई देखा तो उसको ए नीचे आता हुआ दिखता है, साथ ही साथ लेफ्ट में जाता हुआ दिखता है, ठीक है। यस तो ए का, ए के एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आपका हो गया माइनस आई कैप में और दूसरा कंपोनेंट हो गया माइनस जे कैप में। तो ए का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया माइनस एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। इस स्टेप में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं, सब लोग ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है तो नहीं। अब ग्राउंड से जो आदमी वेज बी को देखेगा तो वो क्या होगा, लिफ्ट के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एग्जैक्टली लिफ्ट के बराबर होगा, न कम न ज्यादा। यस तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी है और राइटवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा, वी हैव अज्यूम्ड इट एज ए। तो ये मैंने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर, ये मैंने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? यस। आप लोगों को पहले मैंने लिखने दिया था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेंजेज इसमें कर लीजिए, ठीक है। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह सेकेंड मेथड में ये जो पर्पल से मैंने ड्रॉ किया है ये किसका है, ये वेज का एक्सेलरेशन है, तो वेज के एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर है दूसरा कंपोनेंट इधर है, तो इन दोनों से मिला के वेज कंस्टेंट निकालेंगे तो अगेन सेम रिलेशन आएगा, ठीक है। यस सर। क्योंकि वेज का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन ए साइन थीटा माइनस जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी उतना ही होना चाहिए, दैट इज ए वाई कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा, दोनों को इक्वल कर दिया, कॉस वाला टर्म एक साथ साइन वाला टर्म एक साथ, सेम रिलेशन आएगा। यस सर। इस स्टेप तक भी किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ये एक क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब बहुत सारे, आप ये मत समझो कि एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको इस एक क्वेश्चन के थ्रू, जैसा मैंने कहा मुझे कराना ही था, बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें केवल यही रिलेशन पूछे, समझ रहे हो आप लोग, तो ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है। अब फ्री बॉडी डायग्राम ए और बी में किसी को कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई डिस्कशन करना है तो बोलो। सर वो बी में थीटा गलत बना है, वहां पे 90 माइनस थीटा होना चाहिए। हाँ पर बेटा? सर बी वाले कॉलम में। अच्छा हो सकता है, देख लेते हैं अभी, ये वर्टिकल और इसके बीच का थीटा है, हाँ ये थीटा होगा, सही बोला आपने, तो ये एंगल हो गया थीटा,
तो ये हो गया n cos थीटा और ये हो गया n sin थीटा। तो यहाँ जो cos लिखा है इसकी जगह sin होगा। और बोलिए इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बताओ। बोलिए नहीं आगे बढ़े। यस तो अगर हमें इसमें कोई डिस्कशन अभी नहीं करना है तो इधर देख लीजिए। अब मुझे मिल गया इन दोनों को डिवाइड करके, तो स्मॉल a दोनों को डिवाइड कर दोगे, इधर भी n sin थीटा। अच्छा इधर वाला फ्री बॉडी डायग्राम भी देख लो, ये एंगल थीटा तो ये थीटा तो ये n cos थीटा तो n sin थीटा, तो n sin थीटा इज max और इधर भी n sin थीटा इज maa, तो ax इज इक्वल टू a मिल गया। दोनों का मास सेम है, मिल सकता है, तो ax इज इक्वल टू a मिल गया। इन दोनों इक्वेशन से दिख रहा है। पक्का? अच्छा ax अगर मुझे a मिल गया तो मुझे n की वैल्यू भी ax में या a में किसी एक में मिल जाएगा। इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो n को हम लिख सकते हैं एम ए एक्स बाय साइन थीटा, बोलो। यस मुझे एक्स इज इक्वल टू ए मिल गया, तो इधर भी देख लो, यहां पर एक्स इज इक्वल टू ए मिल गया तो मुझे ए वाई और ए में रिलेशन एक आ गया ना। yes. ax इज इक्वल टू ए मैं यहां पुट कर देता हूं तो मुझे n मिल जाएगा m a अपॉन साइन थीटा। इस n को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो mg माइनस n cos थीटा, मतलब m a cot थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए वाई होगा। सारे m को हटा दीजिए तो g माइनस a cot थीटा इज ए वाई होगा। a और ax की वैल्यू सेम है, तो अब ध्यान से देखो फटाक से। इक्वेशन ए मतलब ये वाला, मैंने अल्टरनेट मेथड से यहां लिखा है, ऊपर दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हो गया ए वाई प्लस जी अपॉन ए प्लस एक्स इज टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए दूसरा इक्वेशन हो गया और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तीन इक्वेशन तीन अननोन ए एक्स ए वाई मिलेगा। फटाक से सॉल्व करके ए एक्स ए वाई बताइए मुझे। पहले फ्री बॉडी डायग्राम सोच समझ के कॉपी करो।
बोलिए ए वाई भी मिल जाए तो आपका काम चलेगा, केवल ए वाई से भी निकाल सकते हो, बट आइडियली तीनों निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, आया किसी को? बहुत ज्यादा लंबे छोड़े हुआ है एक कुछ बोला बेटा? समझ नहीं पाया। क्या बोला? नहीं समझ में पाया मैं। सर वैल्यूज मिल गए। सॉरी सर, एक्सेलरेशन के वैल्यूज मिल गए। आवाज क्लियर नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ वाई मिला? सर ए और एक्स तो सेम है तो उनकी वैल्यू 2g/tan θ + cot θ मिला। ए एक्स की वैल्यू A और AX, yes. Very good. तो A मिल गया और AX दोनों की वैल्यू क्या मिल गई बताइए? 2g/tan θ + cot θ tan θ + cot θ ऐसा? Yes, sir. अच्छा, AY भी बता दीजिए। g into 2 tan θ - cot θ upon 2 tan θ + cot θ g into 2 tan θ upon सर 2 tan θ - cot θ लाइक होल मल्टीप्लाई ऐसा? यस सर। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 2 tan θ + cot θ सब लोग अगर इंडोर्स करते हो यही आया तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो मान लेते हैं ये आ गया। अब देखो सुनो ध्यान से, एक्सिलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का जो वाई कंपोनेंट होगा, वाई में डिस्प्लेसमेंट तो एच ही है। yes, sir. मैं क्यों कहा था केवल वाई चाहिए? क्योंकि अगर मुझे ए वाई मिल गया तो एच इज ए वाई प्लस जी टी स्क्वायर, हाफ ए वाई प्लस जी टी स्क्वायर होगा। या तो मैं पूरा लेके सॉल्व करूं, जरूरत नहीं है, और नहीं तो के ए ए अगर यहां से नीचे आता है तो ए का डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई माइनस एच है। yes. तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखिएगा ध्यान से, कि माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का वाई डायरेक्शन में ए वाई प्लस जी है माइनस साइन के साथ शायद।
ऊपर अभी देखा था ना, दिखाया था मैं, अपना अपना नोटबुक देखो। कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग? यस सर, यस सर। तो ये ए वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए आंसर मैच करेगा। ये एक्सप्रेशन समझे या नहीं कि माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ ए वाई प्लस जी टी स्क्वायर? यस सर, यस सर, समझे सब लोग? समझे ए वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए करके फटाक से मुझे कंफर्म कीजिए आंसर। समझा कुछ सब लोग? क्लियर है सब लोग? ये लेंथी क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन इसका हर स्टेप हर पोर्शन कुछ कुछ सिखाता है। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू तीन चीजें सीखे हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। पहला कि या तो मैं ग्राउंड फ्रेम में वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी करके लिखूं, या कंस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूं, दोनों एक ही बात है। ये पहली चीज सीखे। इतना सिखाने के लिए ही आज ये क्वेश्चन कराना था मुझे। दूसरा कि एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मैं कोई भी कंपोनेंट निकालूं, फाइनली ए को विथ रिस्पेक्ट टू बी एच नीचे लाना है, तो मुझे अलोंग द इंक्लाइन पूरा एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना, आई होप आंसर आ जाएगा। आ ही जाएगा, नहीं कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, किसी को आया तो जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ने में मुझे आसानी होगी। सब मिल गया आंसर, मैच कर रहा है। मैच कर रहा है ना? यस, सब कर करेगा वो, कुछ नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन घर जाके दो तीन बार प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है? और प्रैक्टिस कर लोगे जब सब लोग, क्योंकि देखो मेरे बताने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, फिर मैं आपको इससे एक छोटा सा तरीका और बताऊंगा, ठीक है? लेकिन ऐसे बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये आज एक मजा आया, इसलिए कहता हूँ अच्छे डाउट से ना टीचर खुश होता है। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 था क्या? नेक्स्ट वन 12, 13, 14। सर 13 नहीं है, 13 है। 13 नहीं है, ठीक है, तो 12 देखते हैं। सर 24 भी हटा दो, 24 भी हटा दो। ये जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा ना 7th, ये इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है पार्ट्स में। मतलब आधे में केवल दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछे, कभी एन पूछ ले, फिर फाइनली ये पूछे, तो इसे एक क्वेश्चन में एक ही दे दिया है, नहीं तो इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते थे। समझे आप लोग? केवल एक्सेलरेशन ऑफ वेज पूछ सकता है, केवल नॉर्मल रिएक्शन पूछ सकता है, केवल दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछ सकता है, तो इसीलिए अपने आप में बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, बाकी लोग भी करके देखो, सबके आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ठीक है, ये जो मैंने असाइनमेंट दे रखे हैं ना, ये थोड़ा सा अगर एससी वर्मा सॉल्व किया होगा तो दिख रहा होगा ना, उसके रेस्पेक्ट में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बिलीव मी हैबिट डालो, मेरे ये वाले असाइनमेंट सॉल्व करने के पूरे फिजिक्स में कर लिए,
तो यहाँ क्लास में असाइनमेंट सॉल्व करने में तो दिक्कत ही होगी, बट एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमेशा से इससे कहीं इजी रहेगा। लेकिन ये डिफिकल्टी लेवल नहीं करोगे तो एग्जाम वाला भी डिफिकल्ट लगेगा। तेरा किस बीच भी दे रहे हो? क्या बोल रहे हो? तेरा किस बीच भी एक असाइनमेंट दे रहे हो? क्या? सर आप इस हफ्ते भी एक दोगे असाइनमेंट? नहीं सुना मैं। सर असाइनमेंट बोल रहा है कि इस हफ्ते भी आप ये असाइनमेंट देने वाले हो क्या? ऐसे वाले असाइनमेंट मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आज मेरा था कि अगर मैं आगे स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा तो फिर स्प्रिंग वाले एक असाइनमेंट दूंगा। इससे पहले भी जो दो तीन दिया है मैंने, ये तो फिफ्थ है ना, चार असाइनमेंट और दिए होंगे, वो सब कंप्लीट हो गया है। चाहिए तो बोलना, बहुत है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लॉक ए 25 kg, तो ये है 25 kg का, रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन सरफेस एंड 15 kg काउंटर वेट, बी अटैच टू द केबल एज शोन इन लेक्चर, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, टेंशन इन द केबल, टेंशन इन द केबल आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड, केबल इज पैरेलल टू प्लेन। तो 25 kg ब्लॉक ए, 15 kg ब्लॉक बी, इंक्लाइन प्लेन मुझे लगता है रेस्ट में है, yes, sir. मतलब फिक्स्ड है, देखो नीचे ग्राउंड में ऐसा ऐसा बनाया है, मतलब फिक्स्ड है। तो देखो ध्यान से सब लोग, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया फिक्स्ड आपका। ए अगर ए एक्सेलरेशन से आगे आता है, ए नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा, यही दो बातें हो सकती है। यस सर। ए अगर नीचे जाएगा तो बी ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट से ये दिख रहा है कि ये अगर ए नीचे आएगा तो ये ए ही ऊपर जाएगा, न कम न ज्यादा। यस सर। लेकिन ए के साथ साथ बी नीचे भी तो आएगा। यस सर। ग्रेविटी। ए के साथ साथ बी नीचे भी तो आएगा। यस सर। अच्छा, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो, बी का इधर बनाता हूं, ए का इधर। बी पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर एक्ट कर रहा है ना? एम जी इधर एक्ट कर रहा है, एम जी का कॉम्पोनेंट ये 30 degree, तो एम जी कॉस 30 degree इधर एक्ट कर रहा है और एम जी साइन 30 degree इधर एक्ट कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे पर इंटरैक्शन फोर्स लगाएंगे। यस सर। तो ए बी पर और बी ए पर फोर्स लगाएगा, तो ए बी पर अगर एन इधर लगा रहा है तो बी ए पर उतना ही एन इधर लगाएगा, है ना? अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ए पर उतना ही एन इधर लगा, यही वाला एन इधर लगेगा। यस सर। अच्छा, ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो ये जो मैंने एम लिखा है हर जगह मास ऑफ बी लिख दो, ठीक है, अलग अलग मास है। ए के फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, ए पर इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। यस। अच्छा, ए का खुद का वेट एम ए जी कॉस 30 इधर लगेगा, ए पर एम ए जी साइन 30 इधर लगेगा। एक फोर्स जो सब लोग भूल जाते हैं वो बताना चाहता हूं, ये जो पुली है, ये पुली तो ए का ही पार्ट है ना बेटा?
हाँ सर अटैच्ड है। ये पुली पर टी इधर लग रहा होगा और टी इधर भी लग रहा होगा, तो ब्लॉक ए पर ये सब लोग भूल जाता है, टी हम इधर भी लगाएंगे और उतना ही टी इधर भी लगाएंगे, ये हम लोग भूल जाते हैं हमेशा। अब फ्री बॉडी डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सर वो टी का वापस बताइए ना। टी का वापस बता रहा हूं कि चलो मैं ऐसे कर देता हूं, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए के साथ कुछ रॉड वॉड टाइप का अटैच्ड है और उस पर ये पुली है, यही कहानी है। तो ये पुली को टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर भी पुल कर रहा होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर भी पुल कर रहा होगा, है ना? यस सर। तो ये पुली तो ब्लॉक ए का ही पार्ट है ना बेटा, तो ये दोनों फोर्स तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में ही आएगा। देखो पुली ब्लॉक ए के ऊपर माउंटेड है। यस सर। तो यही दोनों टी मैंने यहां बनाया है। ठीक है सर, आगे बढ़े। यस, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैंने लिखा है ए से नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, देखिएगा ध्यान से, एम ए जी साइन 30 डिग्री प्लस एन माइनस टी इज एम ए इंटू ए, हा या ना? इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर फिर ध्यान देना है, जैसा मैंने कहा ये ए एक्सिलरेशन से इधर भी जा रहा है और साथ ही साथ ए एक्सिलरेशन से इधर भी जा रहा है ए के साथ, ब्लॉक ए के साथ। यस सर। है ना? तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, तो टी माइनस mb g cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mb इंटू ए, और b को अगर हम a के फ्रेम में कर दें तो सूडो फोर्स लगा देंगे, ग्राउंड फ्रेम में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। दूसरा mb g sin थीटा माइनस n इज एम बी इंटू ए, आया समझ में? Yes, sir. पक्का? तो इस बी का एक्सिलरेशन ए उधर भी है ऊपर भी और ए इसके साथ साथ इधर भी है, तो बी का ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। मास ऑफ ए मालूम है, मास ऑफ बी मालूम है। Yes, sir. तो हम लोगों को इस तीनों इक्वेशन में अननोन क्या क्या बचा, टेंशन टी, एक्सेलरेशन ए और नॉर्मल एन, है ना? थ्री वेरिएबल, तीन इक्वेशन, तीन अननोन। यस सर। मुझे एक्सेलरेशन ही निकालना है ना, मुझे एक्सेलरेशन ही निकालना है ना शायद सर, दोनों के दोनों है, तीनों को ऐड कर दोगे ए ऐसे ही निकल जाएगा। तो आगे आप लोग वैल्यू डाल के सॉल्व करो, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और कुछ नहीं। मुझसे तो मैं एक टाइम में बोलूंगा तीनों को ऐड कर दो, एन और टी कैंसिल हो जाएंगे, एक्सेलरेशन ऐसे ही मिल गया, उस एक्सेलरेशन को इक्वेशन वन में पुट कर दो तो टी मिल गया, दोनों आंसर मिल गए। क्वेश्चन टू में उस एक्सेलरेशन को इक्वेशन टू में पुट कर दोगे तो टी भी मिल जाएगा, समझ आया? तीनों को ऐड कर दो तो ए मिल जाएगा, उस ए को टू में पुट कर दो तो टी मिल जाएगा, यही दो चीजें शायद पूछा था क्वेश्चन में। यस सर। तो एक बार आप लोग खुद से कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं, इसके लिए कह रहा हूँ, नहीं तो अगर दिक्कत है तो बोलो मैं कर देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं सर।
हाँ तो खुद से कीजिए, वो क्या होता है ना, साइकोलॉजी है, वो आंसर मैच करता है खुद से कुछ करने के बाद, तो लगता है कि हाँ हमें भी आता है। थोड़ा सा फास्ट आंसर तक पहुंचो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आंसर आ जाए बताओ। आंसर मैच किया? हाँ सर। वेरी गुड, सबका हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ग्रेट, कुछ जो अच्छे क्वेश्चन पूछोगे उसके लिए ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ठीक था मतलब। सो ट्वेल्थ के बाद कौन सा था बेटा? 14। सो नेक्स्ट वन इज 14। An object moving with constant velocity in a non-inertial frame of reference. A must have non-zero net force acting on it. So moving with constant velocity. So constant velocity se ja raha hai in a non-inertial frame of reference. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। यस सर। क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा उस पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बट ग्राउंड के फ्रेम में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? जैसे आप लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो आप पर लिफ्ट के अंदर वाले फ्रेम से नेट फोर्स जीरो है। यस सर। लेकिन बाहर वाले फ्रेम से नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, वो तो नेट फोर्स जीरो है स्यूडो फोर्स लगाने के बाद, और स्यूडो फोर्स तो नॉन रियल फोर्स होता है।
तो नेट फोर्स उस पे जीरो है ऐसा नहीं है, नेट फोर्स डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, मे हैव जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसका मतलब है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट फोर्स जीरो है, मतलब बाहर के फ्रेम में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ये पक्का है, तो मे हैव वाला भी रॉन्ग होगा क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन ही है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ तो फाइनाइट वैल्यू होगा, है ना? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ तो फाइनाइट वैल्यू होगा तभी उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, और उसमें कोई जीरो वेलोसिटी से जा रहा है मतलब उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स जीरो है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट फोर्स जरूर है क्योंकि एफ की वैल्यू है। हाँ सर। है ना, हम लोगों ने रिलेशन देखा था ना कि एफ इज इक्वल टू, ये हुआ था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लस स्यूडो फोर्स, यही देखा था ना हमने? यस सर। इवन इफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जीरो भी है तो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो जीरो नहीं होगा ना? नो सर, मस्ट हैव नॉन जीरो। अच्छा, पहला है नॉन जीरो नेट फोर्स, मेरे जीरो पर मैं वही सर, आप फर्स्ट कार्ड क्यों दिए? हाँ, मैंने गलत पढ़ लिया, ये मस्ट हैव नॉन जीरो है, मैं जीरो पढ़ लिया, ये सी वाला में नॉन जीरो है ना, मस्ट हैव जीरो नेट फोर्स, ये रॉन्ग है? अच्छा, मस्ट हैव, फिर है मे हैव नॉन जीरो नेट फोर्स, ये रॉन्ग है, मे नहीं मस्ट होगा, मस्ट नेट फोर्स इस पर, नेट फोर्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होगा ही प्लस समथिंग होगा, इस केस में ये वाला कंपोनेंट जीरो है, अपने क्वेश्चन के केस में ये जीरो है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो, क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नेक्स्ट कौन था 14 के बाद? 22 अब शायद कर लोगे क्या? यस सर, हो जाएगा। अभी जो किया था इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन वही था ना बेटा, देख लो जो पूछ रहे हो। यस सर, हो जाएगा। उसमें मास की वैल्यू दी हुई थी, इसमें स्मॉल एम कैपिटल एम है तो मुझे लगता है होना चाहिए, पक्का? इसमें भी वही एक्सेलरेशन और टेंशन पूछा है जो उसमें पूछा था, बोलिए। यस सर, हो जाएगा। तो 22 को हटा दीजिए, 22 के बाद कौन सा है? 8th, 8th देखते हैं, ये कुछ 8th, चलो 8th वाला भी देखो, एकदम ब्यूटीफुल छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा इससे, सब लोग देखो ध्यान से, है बहुत छोटा सा,
सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखो, ये फर्स्ट और सेकेंड डायग्राम में फर्क क्या है, सब लोग सुनो। सिर्फ फर्स्ट डायग्राम में बी नीचे आएगा तो ए लेफ्ट जाएगा, बोलो। यस सर। नीचे आएगा तो ए लेफ्ट जाएगा, तो बी और ए के बीच हमेशा कांटेक्ट रहेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए और बी के बीच कांटेक्ट नहीं रहे। पक्का? यस सर पक्का सर। बट लाइक उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर ए लेफ्ट जाएगा तो बी नीचे आएगा। हाँ, केस टू में, केस टू में बी नीचे आएगा तो ए पीछे जाएगा। केस टू में बी नीचे आएगा तो ए पीछे जाएगा, तो ए और बी के बीच का कांटेक्ट छूटेगा ना। यस, है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का फर्क है। तो केस वन में ए और बी के नॉर्मल रिएक्शन वाला एन का टर्म होगा और केस टू में वो एन का टर्म नहीं होगा। समझे? समझ आया कुछ मैं क्या बोला? यस। अब एग्जैक्ट आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर देता हूं। चलो इधर देखो, केस वन बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। दोनों का मास कुछ दिया है क्या? ब्लॉक 20 केजी और ए का 40 केजी, जो भी है। देखो इसमें ए एक्सिलरेशन इसका नीचे होगा तो इस ए का ए एक्सिलरेशन आगे होगा और इस बी का ए के साथ साथ एक एक्सिलरेशन इधर भी होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। बी के फ्री बॉडी डायग्राम में मास ऑफ डी इंटू जी नीचे, टेंशन टी इधर, ए और बी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन इधर। हो गया ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम? हुआ? यस सर। ए का फ्री बॉडी डायग्राम, ए पर उतना ही एन इधर, ए पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, ए पर टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, ए पर ए का खुद का वेट पूछा नहीं है, जरूरत नहीं इसलिए, बट होगा इधर, और ए पर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर। ए का फ्री बॉडी डायग्राम और बी का फ्री बॉडी डायग्राम, समझने में कोई दिक्कत? सर लाइक वो लेफ्ट साइड पे टेंशन क्यों लगेगी ए में, वो नहीं समझा। फिर वही सेम स्टोरी, एक ही बात बार बार पूछ रहे हो। ये पुली ए के साथ अटैच्ड है तो ये स्ट्रिंग का टेंशन इस पुली पर इधर और इस पुली पर इधर लगेगा। ये सही है। अच्छा ओके सर, ओके समझा। वही यहाँ पर है, एक इधर और एक इधर, है ना? बोलिए बोलिए। ये सही समझा। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिखूंगा, n इज इक्वल टू मास ऑफ b इनटू a, t माइनस, नहीं बी नीचे जा रहा है ना, तो मास ऑफ बी इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए। ये हो गया बी का फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन। ए का लिखेंगे तो ए एक्सिलरेशन से लेफ्ट जा रहा है तो टी माइनस एन इज मास ऑफ ए इंटू ए,
ये तीन इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगा। ए चाहिए मुझे, मुझे एक्सेलरेशन का ही रेशियो चाहिए ना बेटा। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो तो एन एन टी टी चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी इंटू जी डिवाइडेड बाय, तीनों को ऐड किया ना, 2mb + ma ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ ए। ये केस वन में एक्सेलरेशन मिल गया, बोलो केस वन की कहानी ओवर, बोलना। यस सर। अब यही काम केस टू में कर लो, जैसा मैंने समझाया केस टू में ये नॉर्मल रिएक्शन वाला काम नहीं होगा। केस टू में फ्री बॉडी डायग्राम देखो, पहले ए का, तो ए पर खुद का वेट मास ऑफ ए इंटू जी, ए पर टेंशन इधर, ए पर टेंशन इधर, ए पर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर, ए के पास एक्सेलरेशन ए रहेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए। क्लियर है? बी के केस में बी पर टेंशन इधर और बी का मास ऑफ बी इंटू जी इधर और एक्सेलरेशन ए नीचे, नॉर्मल रिएक्शन होगा नहीं, कांटेक्ट छूट जाएगा, बताया था मैंने। तो मास ऑफ बी इंटू जी माइनस टी इज मास ऑफ बी इंटू ए होगा। यस सर। इस केस में दोनों को ऐड कर देंगे तो सेकंड केस का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मास ऑफ बी इंटू जी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। तो ये सेकंड केस में एक्सेलरेशन मिल गया और वो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन मिल गया, इन दोनों का ही रेशियो आपसे पूछा था। समझे कुछ? हाँ। तो पहले कॉपी कर लो, फिर वैल्यूज पुट करके देखो आंसर तक पहुंचे या नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों को असाइनमेंट में दिक्कत हो रही है, पहली बात तो ये मैं सारे बैच को नहीं देता हूं, बहुत लिमिटेड बैच को देता हूं, फिर भी अगर लग रहा है डिफिकल्ट है तो सबसे पहले आप एससी वर्मा कीजिए और बुकलेट कीजिए, बुकलेट का एक्सरसाइज वन। ये असाइनमेंट में जिसको बहुत दिक्कत हो रही है, सैड फीलिंग आ रहा है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग क्लियर कट मुझे बता दोगे तो मैं वो इजी वाले असाइनमेंट्स दिया करूंगा, वो भी है मेरे पास। तो इजी मतलब वो भी अच्छे असाइनमेंट है, इजी नहीं, बट वो थोड़ा सा इसमें मैं सोचा कि आप लोगों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा इंक्रीज करूं, सोचने का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके कॉपी भरना कोई काम नहीं है। आंसर मैच किया?
बोलिए। यस सर। आंसर मैच किया? यस सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार और असाइनमेंट के साथ फाइट मारो, डरो मत, ये वॉल्यूम मत काउंट करो कि जितना मैंने किया। 5-10 क्वेश्चन भी तमीज के एक दिन में सॉल्व करते हो तो मोस्ट आई मीन सही है, लेकिन हाँ दिमाग पे जोर डाल के। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर असाइनमेंट 3 में कुछ रिलेटिव मोशन वाले थे, आप वो भी कोई एक करके बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास? बता दूंगा। थैंक यू सर। 4 के भी डाउट डिस्कस करेंगे, सब करेंगे। असाइनमेंट 4 का भी कर सकते हो नेक्स्ट क्लास? सबका कर सकते हैं, मुझे बहुत मजा आएगा, प्रोवाइडेड आप एकदम अपने फुल पोटेंशियल के साथ अटेम्प्ट करके आओ। मैं सबका डिस्कस करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। दो रास्ता है, छोड़ के आगे बढ़ जाओ। एक नहीं सर, ट्राई कर रहा हूँ सर। रास्ता ट्राई करो, रोज कुछ नहीं है तो दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहे, रोज 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो। फिलहाल उसको साइड में रखो, पूरा एक साथ लेके मत बैठो, एक दो क्वेश्चन एक दिन में कोशिश करो। सर उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि आगे बढ़ना कैसे है, तो सोचना है ना। सर कभी कभी सर ऐसा लगता है पागल हो गई, उसको घूर घूर के हो ही नहीं रहा है। ठीक है डिस्कस करेंगे। सर कभी कभी लगता है सर क्वेश्चन स्टार्ट ही कैसे करें वही समझ ही नहीं रहा सर, ऐसे डायग्राम को घूरते रहता हूँ। हाँ सर सेम। मैं पहला डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट तो है, तो इसलिए ऐसा आप मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, तो डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में भी चलो, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी ही बता देता हूँ, असाइनमेंट 3, 4, 5 डिस्कस करूंगा। ठीक है? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग टाइम पूरा कीजिए। हाँ बाय सर। या बाय। थैंक यू सर। सर लास्ट क्लास के क्वेश्चन में डाउट था, पूछूं अभी? बोलो सर। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, अभी दिखाता हूं। बोलो कौन सा? सर फर्स्ट वाला। हाँ हाँ सर, यही वाला। सर इसमें लाइक जो पेंडुलम पीछे ही जाएगा ना, लाइक आगे तो नहीं आएगा, स्विंग तो नहीं करेगा ना ऐसे? क्या क्या सर? जैसे ये जो इस कार के अंदर जो पेंडुलम या ऑब्जेक्ट था वो स्विंग तो नहीं करेगा ना, सिर्फ लाइक लेफ्ट साइड पे ही जाएगा ना? स्विंग मतलब स्विंग करके लेफ्ट जाएगा और वहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, लाइक बस पीछे ही रहेगा ना, आगे तो नहीं जाएगा ना, राइट साइड? आगे नहीं जाएगा, आगे कैसे जाएगा? ओके सर। कार में बैठते हो, कार आगे चलती है तो तुम्हें पीछे की ओर मिलता है ना पुश? यस सर। यस सर। सर लाइक बस कंफर्म कर रहा था कि वो सही था ना, तो सोच रहा था वैसे स्विंग तो नहीं करेगा ना लेफ्ट राइट। चलो बाय बाय सर, थैंक यू सर।